स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका और बात करेंगे द किंग विराट कोहली की। आज उनका जन्मदिन भी है, 35वां जन्मदिन विराट कोहली ने बहुत ही ज्यादा खास बना लिया, वो भी इसलिए क्योंकि विराट कोहली ने अपने 35वें बर्थडे पर वर्ल्ड कप में अपनी दूसरी सेंचुरी लगाई। जी हाँ, वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने दूसरी सेंचुरी लगाई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और ये बता दिया कि भाई वर्ल्ड कप में बड़े इवेंट में भाई उनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। बात करेंगे विराट कोहली के ऐसे अनोखे रिकॉर्ड्स के बारे में जो उन्होंने इस वर्ल्ड कप के दौरान बनाए, जो उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले बनाए और ऐसा लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप के अंत होने तक वो सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ देंगे। आज उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों की बराबरी करी और भगवान के बराबर जाके वो खड़े हो गए। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर के ओडीआई में 49 शतक है और विराट कोहली के भी ओडीआई में 49 शतक है। हालांकि सचिन तेंदुलकर को ये जो 49 शतक है उनको बनाने के लिए लगभग मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी इनिंग्स लगी। सचिन तेंदुलकर को 49 शतक लगाने के लिए 452 इनिंग का सामना करना पड़ा, वहीं विराट कोहली ने लगभग जिसे बोले कि 277 इनिंग में, लगभग आधे के आसपास इनिंग में उन्होंने ये अचीवमेंट माइलस्टोन हासिल कर लिया। हालांकि आज थोड़े से सवाल हो रहे थे कि विराट कोहली स्लो खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट का मसला था, लेकिन विराट कोहली का शतक इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि वर्ल्ड कप के मुकाबलों में विराट कोहली की बड़ी पारियां आ रही हैं, विराट कोहली के शतक आ रहे हैं। 95 पे वो आउट हो गए थे एक मुकाबले में जो कि लग रहा था वहां पे वो भी शतक में कन्वर्ट हो सकता है। हालांकि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर की बराबरी तो की ही की, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में बनाए हैं, आपको वो भी रिकॉर्ड हम धीरे धीरे बताएंगे। और आपको ये भी बता देते हैं कि विराट कोहली तीसरे ऐसे बैटर बने हैं दुनिया के जिन्होंने बर्थडे पर सेंचुरी लगाई है। पहले नंबर पे हैं न्यूजीलैंड के रॉस टेलर और दूसरे नंबर पे हैं ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्च, जिन्होंने बर्थडे पर सेंचुरी लगाई और आज विराट कोहली ने अपने 35वें बर्थडे पर सेंचुरी लगाई। हालांकि जिसे बोले कि शतकों के मामले में अगर बात करें ओडीआईज में कि विराट कोहली के शतक 49 है, सचिन तेंदुलकर के भी 49 है और जो तीसरे नंबर के बल्लेबाज हैं टॉप थ्री में अगर हम बात करें तो वहां पे अपने रोहित शर्मा द हिटमैन शर्मा वहां पे मौजूद हैं, उनके 31 शतक हैं। रिकी पॉन्टिंग का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा हाल ही में वर्ल्ड कप में और रोहित शर्मा के हो चुके हैं 31 ओडीआई शतक। तो ये भी एक अलग ही माइलस्टोन है कि टॉप थ्री जिसे बोले शतकों में, ओडीआई शतकों में जिनका नाम है वो तीनों ही भारतीय हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और द हिटमैन शर्मा यानी रोहित शर्मा। तो तीन प्लेयर हमारे भारतीय टीम से हैं और उन्होंने जैसे बोले ओडीआई में एक तरीके से कहर बरपाया हुआ है, ओडीआई में एक तरीके से बोले कि वहां पे आग लगा रखी है। और भी रिकॉर्ड्स विराट कोहली ने बनाए हैं भाई, और विराट कोहली ने भाई आपको पता ही होगा कि एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा जैसे बोले कि 1000 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं, 8 बार ऐसा वो कारनामा कर चुके हैं और सचिन ने 7 बार ऐसा किया था कि कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए थे, तो उसको भी विराट कोहली ने तोड़ा है। सचिन ने 7 बार ये जो उपलब्धि हासिल करी है और विराट कोहली ने 8 बार इस उपलब्धि को हासिल किया है, 1000 से ज्यादा रन या 1000 रन। तो सचिन ने 7 टाइम्स और विराट कोहली ने 8 टाइम्स, टोटल मिला के हम बात करें तो विराट कोहली की 79 टोटल सेंचुरीज हो चुकी हैं। हालांकि जो हम बोलते हैं ना कि विराट कोहली क्या शतकों का भी शतक लगाएंगे, क्या वहां पे सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर पाएंगे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के टेस्ट में 51 शतक हैं और ओडीआई में 49 शतक हैं, तो सचिन के जो शतक हैं वो 100 हैं और ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली शायद इस मुकाम को भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो विराट कोहली के 79 जिसे बोले कि टोटल वहां पे शतक हैं और जिसमें से कि 28 शतक उनके टेस्ट क्रिकेट में है, एक जो T20 में उन्होंने अभी जो 2022 में एशिया कप था T20 का उसमें अफगानिस्तान के अगेंस्ट मारा था और बाकी 49 जो शतक हैं वो हैं उनके ODIs में। विराट कोहली का भी एक खराब पैच आया था 2019 में, जिसे हम बात करें बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने
शतक लगाया था और 2022 में हम बात करें वो जो 3 साल का पैच है विराट कोहली के करियर में, वहां पे लोगों ने बहुत सारी आलोचना विराट कोहली को लेकर की कि भाई क्रिकेट खत्म हो गई है, इनको छोड़ देना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। उसके बाद देखिए 2022 में टेस्ट में उनके शतक थे, ओडीआई में उनके शतक थे, T20 में उनके शतक नहीं थे, लेकिन T20 में भी एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने वहां पे शतक की पारी खेली और बता दिया कि भाई मैं T20 का भी बहुत बड़ा प्लेयर हूं। 2022 में वो उनकी शतकीय पारी आई थी अगेंस्ट अफगानिस्तान एशिया कप में। तो विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज भी बन चुके हैं जिन्होंने 1000 रन, जैसे हम बात करें कि भाई एक तरीके से बोलें कि फास्टेस्ट, विराट कोहली इज द फास्टेस्ट टू रीच 8, 9, 10, 11, 12 and 13,000 ODIs रन इन हिस्ट्री, जिसे बोले वो भी एक उन्होंने माइलस्टोन हासिल किया है। और दूसरे भी हम आपको रिकॉर्ड्स बताते हैं और उसके अलावा भी विराट कोहली ने कई ऐसे माइलस्टोन हैं जो अचीव किए हैं। तो विराट कोहली का भाई ये जो साल है 2023, जिसे बोले कि वर्ल्ड कप में, जिसे बोले कि सुनहरे सपने जैसा है कि वो जिस तरीके से खेल रहे हैं और अपनी इनिंग को बना रहे हैं, पेस कर रहे हैं और टीम इंडिया को जिसे कहे कि जीत दिलाने में जो उनकी इनिंग्स है वो बहुत ही ज्यादा भागीदारी निभाते हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो इस वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है क्या वो तोड़ेंगे, क्योंकि यहां से आप देखिए कि टीम इंडिया को 3 मैचेस और खेलने, एक नीदरलैंड वाला खेलना है, सेमीफाइनल खेलना है और उसके बाद फाइनल खेलना है। अगर वो फाइनल तक जाते तो 3 मुकाबले खेलने, नहीं तो 2 खेलने ही खेलने हैं। तो क्या विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, उस पर भी हमारी नजर है, विराट कोहली की भी नजर है और हम तो चाहते हैं कि विराट कोहली इसी वर्ल्ड कप में अपने 50 शतक भी पूरे करें, शतकों की हाफ सेंचुरी लगाएं, तब मजा आएगा और पूरा देश उसको सेलिब्रेट करेगा। और सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट किया कि भाई मेरे को 49 से जो 50 शतक हैं वो एक तरीके से 48 से 49 जो लगाने में शतक 365 दिन लग गए थे, और विराट कोहली तो भाई मैं चाहता हूं कि वो इस वर्ल्ड कप में ही उसको नेक्स्ट फ्यू डेज में ही वहां पे कंप्लीट कर ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल चलते हैं, जय हिंद जय भारत।